नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल काजी अनुराग पे आपका फिर से स्वागत है। सो बेसिकली आज क्या था कि मैं अपने घर जा रहा था इस डीलरशिप के सामने से, तो वहाँ पे मुझे ये गाड़ी पार्क दिख गई, जिमनी। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको गाड़ी लेनी हो तो जिमनी खास करके, तो आप इसी कलर में लीजिए यार। क्या मतलब मस्त लग रही थी मुझे, मतलब मैं बिना रुके बिना एक, मतलब मुझे पता है कि ऑलरेडी इस गाड़ी में बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, बहुत सारी रिव्यूज़ आ चुकी हैं, बहुत तरह तरह के वीडियोज़ आ चुके हैं, बट इस कलर को ऐसे इस प्लकार्ड के नीचे पार्क किए हुए देख, मतलब बिना वीडियो बनाए मैं आगे जा ही नहीं पाया। सो बेसिकली क्या है, ये जिमनी की जो अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट है ये वही वाली है, और ये आपकी काइनेटिक येलो कलर में है विथ ब्लैक रूफ एंड दी ओआरवीएम्स आर आल्सो ब्लैक, यानी कि आपकी ये डुअल टोन में है। सो इसमें बेसिकली क्या है कि ये आपकी करीबन 13.65 लाख एक शोरूम प्राइस में पड़ती है। इसके मैं आपको बेसिक जो डायमेंशंस वगैरह हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सो इसका इंजन टाइप की अगर अपने बात करते हैं तो इसमें आपको K15B का पेट्रोल इंजन मिल जाता है विद आइडल स्टार्ट स्टॉप। इसमें मतलब आपका आइडल एंड स्टॉप का फीचर, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर आपको इस गाड़ी में मिलता है। प्लस इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 1462 सीसी का आपको इंजन कैपेसिटी का वो मिलता है, प्लस ये एक फोर सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिलता है। पावर आउटपुट की बात करते हैं तो 77.1 किलोवाट का पावर मिलता है एट 6000 RPM, और टॉर्क की बात करते हैं तो 104.8 PS का, सॉरी दैट्स पावर 104.8 PS का पावर मिलता है। टॉर्क की बात करते हैं तो 134.2 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है एट 4000 RPM। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, और इसका ड्राइव सिस्टम जो है वो आपका ऑल ग्रिप प्रो है, यानी कि आपको विथ लो रेंज गियर्स, यानी कि आपको लो रेंज ट्रांसफर गियर्स, यानी कि इसमें आपको 4-wheel ड्राइव का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, यानी कि आपको जीटा और अल्फा जो भी वेरिएंट आप लेते हैं इसमें आपको दोनों ही 4-wheel ड्राइव के ऑप्शन के साथ आती है। चेसी टाइप की बात करें तो आप जानते ही होंगे लैडर फ्रेम चेसी है। अप्रोच एंगल की बात करते हैं, यानी कि ये अप्रोच एंगल की अपने बात करते हैं तो ये है आपका 36 degrees। डिपार्चर एंगल की बात करते हैं तो वो आपका इसमें आ जाता है करीबन 50 degree आता है, और रैंप ब्रेकओवर एंगल की अगर अपने बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है करीबन 24 degrees की। सो रैंप ब्रेकओवर एंगल जो है इस गाड़ी का, दैट इज़ अ बिट बेटर देन दी महिंद्रा थार, बट येस थोड़ा सा आपका जो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल वो थोड़ा सा कम है। और लेंथ वगैरह की बात करते हैं तो गाड़ी का लेंथ आपका आ जाता है 3985 mm, विथ की बात करते हैं तो 1645 mm का इसका विथ है, हाइट की बात करते हैं तो 1720 mm का इसका हाइट है, व्हील बेस की बात करते हैं तो 2590 mm का इसका व्हील बेस है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस है आपका 208 mm, और आपका जो बूट स्पेस है दैट इज 332 विथ रियर सीट्स फोल्डेड, यानी कि रियर सीट्स अगर आप फोल्ड कर देंगे तो आपके 332 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस आता है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट प्रोफाइल से बहुत स्ट्राइकिंग लगती है ये, मतलब मुझे तो खास करके बहुत अच्छी लगी। यस थार इज अ बिट ऑन दी बेटर साइड, अ बिट ऑन दी रगेड साइड, बट यस फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आपको हुड वगैरह जैसा आप देख रहे हैं आपको नॉर्मली यहाँ पे थोड़ा सा क्रीज लाइंस वगैरह दोनों साइड में मिल जाता है, और यहाँ आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, दोज आर हैलोजन इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाता है। ये छोटा छोटा आपका ग्रिल का थोड़ा सा डिजाइन है विद क्रोम एलिमेंट्स यूज किया गया, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे ग्रेइश टच दिया गया है, ये भी आपका इंडिकेटर्स है। बाकी यहाँ पे आपको हेडलैम्प वॉशर्स अलग से मिल जाते हैं, और जिसके फॉग लैम्प्स है वो आपके बंपर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपका छोटा सा ग्रिल है, और यहाँ पे आप नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। जीटा वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो जीटा वेरिएंट में आपको यहाँ पे जो हेडलैम्प वॉशर है ये नहीं मिलता, यहाँ पे एक अजीब सा आपको ब्लॉक दिखाई देगा, खाली ब्लॉक। अब मुझे लगता है कि वो कंपनी को उस पर वर्कआउट करना चाहिए कि वो दिखने में थोड़ा सा खराब लगता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है ये थोड़ा सा ये एक्सेसरीज में अलग से लगा हुआ है, आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलता है। साइड में आपकी जो क्लैडिंग्स है ये थोड़ी सी रगेड है और काफ़ी बोल्ड है, यहाँ पे आपको डोर सील वगैरह अलग से मिल जाता है विथ जिमनी की बैजिंग जो है यहाँ पे, और ये भी आपको अलग से एक्सेसरीज में लगाया गया है, जिमनी वाली जो है ये आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं फेंडर पे ही, और जो ORVM से वो ब्लैक कलर में है, रूफ जो है वो भी ब्लैक कलर में है। एंटीना की बात करते हैं तो एंटीना आपको नॉर्मल वही लंबा वाला जो एंटीना आता है, इसमें शार्कन एंटीना वगैरह का नहीं है। साइड से भी दी कार लुक्स वेरी गुड, वेरी स्ट्राइकिंग एंड वेरी, मतलब ये थोड़ी सी ना नैरो डिज़ाइन में दी गई है, क्योंकि आप अगर कोई टाइट स्पेसेस से निकलना चाहें तो आप आराम से इस गाड़ी को निकल सकते हैं, रादर देन आपकी जो थार है वो थोड़ी सी चौड़ी है, तो इसमें ये आपको थोड़ी ज़्यादा मतलब मैनोवर करनी टाइट स्पेसेस से ज़्यादा ईजी होती है। व्हील बेस वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। टायर प्रोफाइल की आपने इसमें बात करते हैं तो यस दिस इज़ अ कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स, क्योंकि इसमें आपको जो टायर मिल जाता है वो है आपका 15 inch का, यानी कि 195/80 R15 टायर्स। अब मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इसके नीचे वाले वेरिएंट में जीटा में जो स्टील रिम्स दिए जाते हैं
दैट इज़ मच बेटर वैन कम्पेयर टू एलॉयज, क्योंकि वो थोड़े से स्टडी होते हैं और हार्डी होते हैं अगर आप एलॉयज से कंपेयर करते हैं तो. बट येस आई अंडरस्टैंड दिस इज अ कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हु प्रेफर थार ओवर द जिमनी, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिकॉज द थार गेट्स एन 18-inch एलॉयज. बट एनी वेज दिस इज नॉट लाइक लुक दैट बैड, उतना खराब भी नहीं लगता. बट ठीक है, मैं आपकी जो क्वेश्चन है वो मैं समझता ही हूँ. यहाँ पे आपको ये डोर एक्सेस बटन मिल जाता है छोटा सा, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इसको आप प्रेस करके आप एंटर गाड़ी के अंदर घुस सकते हैं और लॉक अनलॉक कर सकते हैं. पीछे के डोर्स में भी आपका स्पेस इज गुड, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा. बाकी अलॉयज की अपनी यहाँ बात हो गई, टायर्स की बात हो गई है. रेयर से अपने बात करते हैं तो रेयर अ बिट लुक्स लाइक दी मर्सिडीज जी वैगन. ज़्यादा हो गया ना थोड़ा, मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा हो गया. बट एनी वेज रेयर से भी बहुत अच्छी लगती है गाड़ी. और ये जो आपकी जो हल्का सा क्रोम फिनिश यहाँ पे दिया गया है ना टायर्स के ऊपर जो कवर है, ये बहुत सुंदर लगता है देखने में खास. और जो स्टील का मतलब ये क्रोम में जो लोगो दिया गया है सुजुकी का, ये भी अच्छा लगता है. यहाँ पे आपका हाई मॉडल स्टॉप लैंप मिल जाएगा इस जगह में. यहाँ पे आपका वाइपर मतलब वॉशर है, यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है. यहाँ भी आपका बूट में भी आपका डोर एक्सेस बटन दिया गया है. बूट स्पेस इज गुड, मतलब अगर अपने सीट्स फोल्ड ना भी करते हैं ना तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि आपको थार में बिल्कुल नहीं मिलता. देखिए मैं ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रहा हूँ थार के साथ, बट ये मैं आपको कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स बता रहा हूँ जो जिमनी की आपके थार में मतलब अगेंस्ट जिमनी आपको अगेंस्ट थार आपको जिमनी में मिल जाती है. कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं डिफॉगर्स का ये वायर है यहाँ पे, देखिए ये जो अलग से ऑलरेडी निकला हुआ है, ये दिखने में थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा. सो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें थोड़ा बहुत काम किया जा सकता था. सो दिस इज बेसिकली फाइव डोर कार, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज द फिफ्थ डोर. यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे माउंटेड है, बैकलाइट्स वगैरह यहाँ पे माउंटेड है. यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाता है. एंड द ओनली थिंग इज कि अगर आपके बम्पर पे कोई चोट आता है तो आपकी लैंप्स वगैरह जो हैं वो भी टूट जाएंगे. तो दिस ये थोड़ा सा एक दिक्कत का बात है, बट इसको अगर आप धीरे से पुश कर देते हैं तो ये बंद नहीं होता है. ओके अच्छा, ये तो हाइड्रोलिक है ना तो बंद नहीं होगा, तो आपको इसे बंद करना पड़ेगा. बिल्ड क्वालिटी इज अ बिट ऑन दी बेटर साइड व्हेन कंपेयर टू अदर मॉडल्स फ्रॉम नेक्सा. बिल्ड क्वालिटी इज गुड. यहां पे आपको यू गेट दी एंटेना ओवर हियर. सो दिस वाज बेसिकली दी एक्सटीरियर्स ऑफ दी जिमनी. आई नो बहुत सारे रिव्यू वीडियोस बन चुके हैं, बहुत कुछ है, बट मैं इस कलर में खास करके इस गाड़ी को बिना देखे आगे नहीं बढ़ पाया. गाड़ी की कार्स मेरे पास कीज जो है मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको इंटीरियर्स का पूरा ठीक से नहीं दिखा पाऊंगा. बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो अवेलेबल है मैं आपको एक चीज़ करके अंदर एक बार दिखा देता हूँ. इस और हाँ, इसमें जो मुझे बताना था कि इसमें आपको दोनों वेरियंट में ही फोर व्हील ड्राइव, यानी कि जो मारुति की ऑल ग्रिप जो आप देख रहे हैं ये फोर व्हील ड्राइव का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है. एंड येस द कार परफॉर्म्स वेरी गुड ऑन रफ टेरेन्स एंड रफ सर्फेसिस, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. वीडियोज ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, आप एक बार देख के भी चेक कर सकते हैं. बाकी एक्सटीरियर्स और डायमेंशन वगैरह को लेकर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. मैं एक बार आपको तब तक इंटीरियर्स दिखाता हूँ. तो इंटीरियर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रैब करने का एक जगह मिल जाता है. यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं, मतलब चार डोर्स में चार स्पीकर्स ही. ये थोड़ा सा क्रोम में आपका ग्रैब हैंडल्स है यहाँ पे, मतलब डोर ओपन करने के लिए. यहाँ पे आप मैगजीन वगैरह स्टोर कर सकते हैं, पर कोई बोतल वगैरह स्टोर नहीं कर सकते. यहाँ पे अपने बात करें तो आपको एक ये आइडल स्टार्ट स्टॉप एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का बटन मिल जाएगा. ये आपका हेडलैम्प वॉशर, यानी कि जो मैंने आपको फ्रंट में दिखाया था, ये हेडलैम्प वॉशर का बटन है. इससे आप बीम को एडजस्ट कर सकते हैं, हेडलैम्प के बीम को. यहाँ आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा और ये जगह में आपको मिरर एडजस्ट करने का बटन मिल जाएगा. थोड़ा सा मतलब अर्गोनॉमिकली प्लेस्ड नहीं है, बट ठीक है. मतलब आपको पूरा स्टीयरिंग से हाथ हटा के अगर आपको कुछ प्लेस करना है तो गाड़ी साइड करके आपको स्टीयरिंग से हाथ हटा के इसको पूरा एकदम एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे गाड़ी को बढ़ा सकते हैं. इसको मैं बंद कर देता हूँ. अच्छा पहले मैं आपको सीट्स दिखाता हूँ. सीट्स की बात करें तो सीट्स में आपको हाइट एडजस्टमेंट इसमें अवेलेबल है, इससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं. एंड यस इस रेस्ट को भी आप टिल्ट वगैरह कर सकते हैं. तो मैं बस गाड़ी में बैठ जाता हूँ. बैठ के ये आपको थोड़ी सी जिप्सी से इंस्पायर्ड मिलेगी. चाबी मेरे पास है नहीं इसलिए मैं आपको क्लियरली दिखा नहीं पा रहा हूँ. तो ये थोड़ा सा आपका एनालॉग प्लस डिजिटल है. इसमें आपको डिजिटल के सारे मतलब जैसे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह हो गया, कितना फ्यूल वगैरह है, वो सब आपको इसी में दिखा देगा. ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको इसी में मिल जाएंगे. और यहाँ पे भी आप पे कुछ एलिमेंट्स वगैरह हैं जो यूज किए गए हैं, मतलब बटन्स वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह हो गया, फ्यूल लो हो गया, वार्निंग साइन हो गया, आपका हेडलैम्प्स वगैरह का हो गया, मतलब ऑटो हेडलैम्प्स और नॉर्मल हेडलैम्प्स में है. और ये आपका मतलब आपने कौन सा मोड यूज़ किया है, ये किसका है मैं आपको बताता हूँ. लेकिन सेम फिर से वही चीज़, ये स्टिक पहले तो मतलब बाकी गाड़ियों में तो लंबी सी स्टिक आती है पतली सी, लेकिन इसमें ठीक वही. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई मारुति वाई क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, क्यों यहाँ पे बटन्स नहीं देते इसको कंट्रोल करने का, ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक. ठीक है, यहाँ पे बात करें तो हेडलैम्प्स आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और
ये आपका वाइपर्स का है, इसमें ऑटो वाइपर्स नहीं है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का सेटिंग्स पूरा मिल जाता है। इस जगह में यू गेट दी ऑडियो कंट्रोल्स एंड इससे आप कॉल रिसीव डिस्कनेक्ट एंड वॉइस कमांड्स आप दे सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है इसमें आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग व्हील ही मिलता है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील इसमें नहीं है। सुजुकी की लोगो यहाँ पे आपको क्रोम में मिल जाती है और जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेदर रैप्ड है आपका अल्फा वेरिएंट में। यहाँ पे आपको एक 22.86 सेंटीमीटर का आपको एक स्मार्ट प्ले प्रो प्लस मिल जाता है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, टच वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। ये मैं आपको इस पर एक डिटेल्ड वीडियो में आपको बना के दिखा दूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स सारे अवेलेबल हैं। यहाँ आपको एसी इवेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, पार्किंग हजार्ड्स के आपके बटन से यहाँ मिल जाएंगे और ये आपका जो है ये ऑटो एसी का बटन से यहाँ पे ये आपके सारे मतलब इससे आप ये विंडो जो है इसको अप डाउन कर सकते हैं, इससे आप ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम को आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, और ये है आपका ड्राइवर विंडो को अप डाउन करने का जो कि आपका ऑटो वन टच अप एंड डाउन है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एक USB का पावर आउटलेट है, यहाँ पे आपको स्टोर वगैरह कर सकते हैं। हाँ, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको वो 4 जो विथ लोअर ट्रांसफर के गियर्स जो है वो भी आपको मिल जाता है, 2H, 4H एंड 4L। 2L में अगर आपको शिफ्ट करना है आप जस्ट 2H में शिफ्ट कर दीजिए, 4L में शिफ्ट करना है तो आप जस्ट इसको पीछे पुश कर दीजिए 4H में, और 4L में अगर आपको शिफ्ट करना है तो इसको आपको प्रेस करके पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 4L में। 2H से 4H आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी चलाते चलाते भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, बस आपकी गाड़ी का स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से नीचे होना चाहिए। बट 4L में अगर आपको शिफ्ट करना है H से तो आपको गाड़ी को पूरा स्टॉप करना पड़ेगा, गाड़ी की इंजन जो है वो रनिंग होनी चाहिए, गाड़ी आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए, क्लच जो है वो प्रेस्ड होना चाहिए, तभी जाके आपका ये 4H से 4L में शिफ्ट होगा। सो बेसिकली इसमें देखा जाए तो यही है, ग्लव बॉक्स यहाँ पे कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। लेकिन मुझे एक चीज़ में और समझ में नहीं आती कि बाकी गाड़ियों की जब मैं ग्लव बॉक्स खोलता हूँ बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, तो वो आराम से ऐसे से खुलती है। मारुति की आप कितनी भी गाड़ियों को आप खोल लो, अभी फट से गिरता है। मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो इनको मतलब 15 लाख की गाड़ी आदमी ले रहा है, इनको छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। अब आप इसी में नहीं, आप ग्रैंड विटारा में भी देखो उसमें भी ऐसे खुल जाता है, आप फ्रॉन्क्स में देखो उसमें भी ऐसे खुल जाता है अचानक से। मतलब 17 लाख, 22 लाख, 25 लाख की आप गाड़ी बेच रही है, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आपको ग्रैब करने का यहाँ पे हैंडल मिल जाएगा, यहाँ SRS एयरबैग्स वगैरह है, इसमें आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं टॉप मॉडल में। यहाँ पे भी आपका स्पीकर्स है, मतलब 4 डोर्स में 4 स्पीकर्स है, और आर्कमीज सराउंड सेंस आपको मिल जाता है इसमें। IRVM जो है वो आपका डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको मिरर्स मिल जाता है, वैनिटी मिरर में यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है, यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, माइक्रोफोन है, और यहाँ पे भी आपको ओके मिरर्स अवेलेबल है। सो बेसिकली फ्रंट में भी इतना ही था, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग के लिए फिर मतलब बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जिमनी पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। ये जो विजिबिलिटी है ना गाड़ी की ठीक ठाक है, मतलब अपने अगर चाहें तो अगर मैं इसको हाइट को अगर मैं फुल कर देता हूँ, सीट हाइट को अगर मैं फुल करके रखता हूँ तो आपको इसमें मतलब विजिबिलिटी जो है कुछ हद तक ठीक दिखेगी। ये बोन सामने का जो हुड है वो भी क्लियरली विजिबल है एकदम, मतलब आपको अंदाज़ा लगाने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, और जो आपके फ्रंट की विजिबिलिटी है वो भी ठीक ठाक है, नॉट गुड बट ठीक है। बाकी एक बार अपने रेयर सीट की स्पेस वगैरह चेक कर लेते हैं। वो सीट मैंने फ्रंट की अपने हिसाब से सेट की थी, मेरी हाइट 5'8" है करीबन। सो ओहो भाई, इतना बड़ा दरवाज़ा है लेकिन घुसने में मेरा सर यहाँ पे लग गया। मतलब अगर आप ध्यान दे के नहीं घुसते हैं तो आपका इंग्रेस में आपको चोट लगेगा ठीक इस जगह पे, ये जो आप जगह देख रहे हैं, क्योंकि मैं जब घुसने गया यहाँ पे, मैं एक बार आपको मतलब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, बट मैं जब घुसने गया तो मेरा सर जो है ठीक इस जगह पे टकरा गया। तो आपको थोड़ा सा ये पैर रखने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होकर घुसना पड़ेगा तभी आप इसमें घुस पाएंगे, ऑल दो दिस दी हाइट इज सो मच स्टिल। सो यहाँ पे आपको स्पेस ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब जितना चाहिए उतना ही है, और लेकिन थाई सपोर्ट जो है वो बहुत कम है, मिनिमल, जितना मिनिमल से मिलमल रखा जाए उतना है। यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह मिल जाता है इस जगह में, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएगा, यहाँ भी आपका जो पावर विंडोज़ का बटन है थोड़ा सा अलग है, मतलब इससे आपको पावर अप डाउन करना है, ये आपका यहाँ पे भी ग्रैब करने का बटन है, और यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे आप स्टोरेज स्पेस है, हैंड ब्रेक, और यहाँ से आप जो रेयर के विंडोज हैं उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो सीटिंग स्पेस इज गुड। अब लैडर फ्रेम चेसी है तो आपको थोड़ा सा मतलब पीछे में जर्किंग वगैरह आएगा, और मैं जब इसमें ड्राइव लिया था, मैं जब इसमें घूमने गया था पीछे बैठ के, तो मुझे बहुत ज़्यादा पीछे फील हुआ, बट स्टिल दैट वॉज फेयरली लो, एंड इनफैक्ट
थार से बहुत कम था, इसमें जो बॉडी रोल था पीछे वो थार से काफ़ी कम था, और काफ़ी टाइट स्पेसेस से ये गाड़ी मेरी निकल जा रही थी, मुझे कहीं चलाने वगैरह में कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी, मुझे पीछे बैठ के भी अच्छा ही लगा, ठीक ठाक लगा। थोड़ा सा आपको इसमें एसी की कूलिंग आपको इफेक्टिव कम लगेगी, जो मैं आपसे एक पर्सनली आपसे एक व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मुझे एसी की जो कूलिंग है इसमें मुझे काफ़ी कम लगी, मतलब मैं जब पीछे बैठ के गाड़ी में था तो ब्लोअर स्पीड भी अगर 4 पे करके रखा जाए टॉप पे भी, तो भी थोड़ा सा इसमें मतलब आपको समझने में दिक्कत होगा, जो ठंडा थोड़ा कूलिंग इफेक्ट थोड़ा कम था। बट जो भी है, मतलब इस प्राइस पॉइंट में दिस इज़ अ गुड कार, फॉरेन में भी काफ़ी अच्छी बिकती है और काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, एंड आई बिलीव इस प्राइस पॉइंट में दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द जीटा वेरिएंट, अल्फा लेने का मतलब नहीं बनता है, जीटा वेरिएंट ही लीजिए, लेके आप आराम से इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, 4 जन आप बैठ के चलाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, प्राइसिंग्स भी ठीक है। सो लेकिन एक सवाल है मेरा मारुति से, इस गाड़ी को लोग चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, सियाज को जैसी थी वैसी है, थोड़ी सी फेसलिफ्ट करके बस लॉन्च कर दी, एनीवेज अब सियाज पे तो है नहीं। सो आप जिमनी देख सकते हैं, दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल बाय, मतलब अब देखिए मुझे पता है थार वाले यूजर्स मेरे कमेंट बॉक्स को भरने वाले हैं, थार इज सिग्मा मेल मेल ये वो, बट मुझे मेरे हिसाब से दिस इज़ कीपिंग इन माइंड द प्राइस पॉइंट, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल बाय लगती है। अगर मैं ज़्यादा ऑफ रोडिंग में नहीं जाता हूँ तो, मतलब अगर समझिए मैं कहीं दूर वगैरह नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत टफ ऑफ रोडिंग्स अगर मैं नहीं करता हूँ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल बाय। येस, इस गाड़ी की अगर आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो प्लीज़ आप किसी ऑफ रोड में जाइए, वहाँ जाकर ही टेस्ट ड्राइव लीजिए, नॉर्मल रोड पे ये 100 पे भगाने वाली गाड़ी नहीं है, आप इसको नॉर्मल मतलब जो सारी ऑफ रोडिंग वाली जगह है खेत वगैरह में लेकर इसको कुदा दीजिए, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, तब आपको समझ में आएगा इस गाड़ी की एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। बट सो एनीवेज दिस वॉज द जिमनी अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन फॉर यू ऑल। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जो भी समझ में आए, आपके जो भी व्यूज़ हैं, आप जो भी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड बस फिलहाल मेरे पास इतना ही था, और कुछ दिखाने का है क्या? अच्छा नहीं, इसमें और कुछ दिखाने का तो है नहीं। सस्पेंशन का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सस्पेंशन की बात करते हैं तो आपका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपका 3-link रिजिड एक्सल टाइप विथ कॉइल स्प्रिंग, और आपका जो रेयर सस्पेंशन है वो भी आपका 3-link रिजिड एक्सल टाइप विथ कॉइल स्प्रिंग ही है। अब ये अगर आप ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, उस सस्पेंशन के ऊपर भी मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, बाय।